ये कहानी है गर्मियों के दिनों की। तपती हुई धूप और काफी दिनों से बारिश का ना होना पक्षियों के लिए तो पानी का जैसे बोहरान ही पड़ा हुआ था। और काफी दिनों से बहुत सारे पक्षी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। एक बूंद पानी मिल जाए गजब की प्यास लगी है। बस ये गला थोड़ा सा गीला हो जाए तो मेरी जान में जान आ जाएगी। प्यास तो सबको लगती है लेकिन इस कौवे को लगी थी थोड़ी ज्यादा। अब जंगल में तो पड़ा था सूखा और कौवा था पानी का भूखा और भटक रहा था सारे जंगल में पानी के लिए दर बदर। तो देखते हैं अब कौवा करता है क्या। अरे जंगल है या रेगिस्तान, दूर दूर तक नहीं है पानी का नामो निशान। ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा, कुछ न कुछ तो आखिरकार कर जाऊंगा। अब कहाँ ढूंढूंगा मैं पानी, नहीं हो रहा है पानी के बिना मुझसे कुछ। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, जंगल तो रेगिस्तान बन गया है अब ये। कौवे को पता था कि अब इस जंगल में तो पानी मिलना काफी मुश्किल हो गया है। तो क्यों ना भी जंगल को छोड़ा जाए, और करीब एक गांव है, क्या पता उस गांव में कौवे को पीने के लिए कुछ पानी मिल जाए। इसलिए कौवा अब जंगल को छोड़कर जा रहा था उस गांव की तरफ। गांव भी काफी दूर था लेकिन कौवा पानी के लिए तो कुछ भी कर सकता था। अरे यहाँ पर तो मुझे एक मटका नजर आ रहा है, उम्मीद है इस मटके के अंदर मेरे लिए पीने के लिए कुछ न कुछ पानी तो होगा ही। कौवे को एक मटका नजर आता है और मटके को देखने के बाद कौवा मटके के ऊपर बैठ जाता है। इसमें तो पानी काफी दूर है, यहाँ तक तो मेरी चोंच नहीं पहुँचेगी, कुछ न कुछ करना पड़ेगा जिससे ये पानी थोड़ा ऊपर आ जाए और मुझे पानी पीने में आसानी हो। अब मैं क्या करूं, इस पानी को कैसे ऊपर लाऊं, कुछ सोचती हूं इस बारे में। पानी ऊपर आएगा तो तभी तो मैं पी सकूंगी। अब कौवा दूर दूर से कंकर इकट्ठे करने लगता है क्योंकि पानी काफी दूर था। तो कौवा उन कंकर को इकट्ठे करके मटके के अंदर डालना शुरू कर देता है। इस तरह पानी काफी ऊपर आना भी शुरू हो जाता है। ये गया मेरा पहला पत्थर, अभी जाता हूँ और भी पत्थर इकट्ठे करके लाता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। अरे पानी तो ऊपर आ गया, अब पी लेता हूँ। मुझे तो काफी प्यास लगी थी और प्यासा तो मैं और वैसे भी नहीं रह सकता था। फिर कौवा वहाँ पर पानी पी लेता है और अपनी प्यास को बुझा लेता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत तो करना हर चीज में जरूरी ही होती है और फल उसके बाद जरूर मिलता है। कौवे की हाजिर दिमागी ने उसे प्यासा रहने से बचा लिया। कौवा पेड़ पर के पानी पी लेता है और अपनी प्यास बुझा लेता है, फिर वहां से चला जाता है। अब यहाँ से चलता हूँ, मैं तो प्यासा ही रहने वाला था लेकिन आज प्यासा नहीं रहा मैं, जी भर के पानी पी लिया मैंने।